इन्फेक्टेड ब्लड का इंजेक्शन लगाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की माने तो एक तरफा प्यार में पड़े लिस्टेड बदमाश ने सुपारी देकर युवती को इन्फेक्टेड ब्लड का इंजेक्शन लगाने की साजिश रची थी। रिपोर्ट देखिए। एक तरफा प्यार ने बनाया अंधा, सनक ने रची साजिश, इंजेक्शन की सुपारी। पुलिस की गिरफ्त में आए ये बदमाश कोई आम नहीं है, बल्कि इन लोगों ने जिस वारदात को अंजाम दिया वो आपको न केवल हैरान करेगी बल्कि परेशान भी। गिरफ्त में आए एक बदमाश का नाम है किशोर कोरी। किशोर कोरी ही इंदौर इन्फेक्टेड इंजेक्शन मामले का मास्टरमाइंड है। पहले आपको पूरा मामला बताते हैं। ये मामला 12 मार्च का है। हर दिन की तरह 12 मार्च की शाम भी पीड़िता अपने दफ्तर का काम खत्म करके घर के लिए अपने दोपहिया वाहन से निकली। तभी सराफा क्षेत्र में बाइक से आए दो युवकों में से एक ने उसकी कमर पर इंजेक्शन लगाया और भाग गए। इस घटना की शिकायत युवती ने सराफा थाने में जाकर की। सराफा थाना क्षेत्र में 12 मार्च की तारीख को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक पीड़िता के द्वारा थाने पर आकर रिपोर्ट किया गया कि वह अपनी स्कूटी से यहाँ पर जा रही थी और अचानक कुछ व्यक्ति उसके स्कूटी के सामने आते हैं, जिसके कारण उसने स्कूटी रोकी है। उसके बाद पीछे से कुछ अज्ञात व्यक्ति उसे एक इंजेक्शन उसकी कमर में लगाते हैं और जैसे ही वो चीखती है तो उसके बाद वो लोग छोड़ के इंजेक्शन को भाग जाते हैं। युवती ने किशोर कोरी नाम के एक बदमाश पर परेशान करने के आरोप लगाए। इसके बाद पुलिस ने किशोर को पकड़ा और कड़ाई से पूछताछ की। फिर वो खुलासा हुआ जो हैरान करने वाला था। साउथ इंडिया की फिल्म से प्रभावित होकर दो लोगों को संक्रमित खून का इंजेक्शन लगाने की सुपारी दी गई। आरोपी ने MRTB अस्पताल के दो सफाई कर्मियों से संक्रमित खून खरीदा। इस खून को सफाई कर्मी की पत्नी मेडिकल वेस्ट से लेकर आई थी। इतना ही नहीं, आरोपी ने साल भर पहले भी युवती पर दो महिलाओं के माध्यम से एक इन्फेक्टेड ब्लेड से हमला करवाया था। तब भी ये मामला मीडिया में सुर्खियों में आया था। उसने एक काफ़ी समय से इसके ऊपर बातचीत करने का दबाव बना रहा था और लड़की ने जब इससे बातचीत करने के लिए मना कर दिया तब बदला लेने की मंशा से उसने एक संक्रमित रक्त की व्यवस्था करी। किसी एक भिक्षुक के माध्यम से उसने एक उस रक्त की व्यवस्था करी और उसे एक मोटे इंजेक्शन में भर के इसको संक्रमित करने का प्रयास किया, जिसके कारण उससे काफ़ी गंभीर बीमारी हो सकती थी। अब सवाल ये कि युक्ति से इस कदर दुश्मनी की वजह क्या है। पुलिस के मुताबिक किशोर कोरी युक्ति से एक तरफा प्यार करता था और इस वजह से वो युक्ति को हासिल करने की शुरुआत से कोशिश कर रहा था, लेकिन बात बनते नहीं देख वो युक्ति की जान का दुश्मन बन गया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो और बदमाशों की तलाश पुलिस करने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। महादेव सट्टा ऐप केस की बात कर लेते हैं, जिसमें ईडी की रिपोर्ट पर ईओडब्ल्यू ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। कई धाराओं में भूपेश बघेल को आरोपी बनाया गया है। बघेल समेत 21 आरोपियों पर मामला दर्ज है। इसमें ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्रा के रवि उत्पल समेत अज्ञात पुलिस अफसर और कारोबारियों के नाम शामिल हैं। ईडी की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में यह कहा गया कि महादेव ऐप प्रमोटर्स को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त था। ऐप के प्रमोटर्स की ओर से कार्रवाई रोकने के लिए आरोपियों को बड़ी राशि नियमित रूप से प्रोटेक्शन मनी के रूप में दी जाती थी। यह प्रोटेक्शन मनी हवाला के जरिए होती थी। बताएं कि ईडी करीब एक साल से महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि इसमें छत्तीसगढ़ के उच्च पदस्थ राजनेता और नौकरशाहों के शामिल होने का पता चला है। ऐप के दो मुख्य प्रमोटर भी छत्तीसगढ़ से हैं। ईडी के मुताबिक इस मामले में करीब 6000 करोड़ रुपए की आय हुई है। बलौदाबाजार से खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी ने भूपेश बघेल पर तंज कसा है। दरअसल ब्रिजमोहन अग्रवाल पहुंचे थे बलौदाबाजार और यहां पर उन्होंने भूपेश बघेल को निशाने पर लिया है और कह रहे हैं वो कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा ही भरेगा। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा।
महादेव की। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कांग्रेस के पास में अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, कांग्रेस ने भी लिया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पैसा, जरा पहले अपने बारे में बताएं। दुर्ग से खबर, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी ताकत लगा चुकी है। लोकसभा स्तरीय सम्मेलन हुआ है, इसमें कई सारे लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। दुर्ग से सांसद और बीजेपी उम्मीदवार विजय बघेल ने सभी का स्वागत किया और कहा कि इससे बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। भूपेश बघेल पर हुई FIR को लेकर उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया और कहा कि जो भ्रष्टाचार करेगा छत्तीसगढ़ को गर्त में डुबोएगा, उसका तो हाल यही होगा। जो चोरी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा और छत्तीसगढ़ को गर्त में डुबोएगा, उसको तो उसकी हाल तो ऐसे होनी थी, ये तो पहले से ही तय था। आज FIR हुआ है और आगे और देखिए क्या क्या होगा। कांग्रेस आरोप लगाती है बार बार कि जब चुनाव आता है तभी इस तरह का एक्शन लिया जाता है। ऐसा नहीं है, चुनाव वो अपना अपने कार्य कानून अपना कार्य करते रहती है। इनको ऐसा लगता है कि चुनाव आया तभी कर रहे हैं, इससे पहले भी हुआ था, उसके पहले भी होता रहा है और ये पहली बार हुआ है क्या? इसके कांग्रेस के लोग कई तो जेल में हैं, कई बेल में हैं, कई जेल जाने के रास्ते में हैं, ये तो लगातार चल रहा है। कोरबा में कांग्रेस को झटका लगा है और यहाँ पर भी करीब 1200 से ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस के पाली नगर पंचायत अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस नेता शैलेश सिंह ठाकुर ने भी बीजेपी का साथ पसंद किया। सरोज पांडे की मौजूदगी में इन सभी ने बीजेपी ज्वाइन किया। वहीं बीजेपी नेता राजेश मूणत कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और बागी नेताओं के कांग्रेस वापसी पर तंज कस रहे हैं। सीटी घोषित कर पा रहे, सीटी घोषित नहीं कर पा रहे, गुटबंदी था कांग्रेस में। कल तक विधानसभा चुनाव हारने के बाद में यही कांग्रेस के नेता लोग कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाते थे, उनके प्रभारी के ऊपर सवाल उठाते थे। यही लोग कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाते थे कि पैसा लेके टिकटें दे दी है। आज यही वापस तो सेम अपने पार्टी का चिंतन कांग्रेस पार्टी का। इधर खरगोन पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि तमिलनाडु के सीएम के बेटे ने सनातन धर्म को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की, लेकिन इस बयान का विरोध करने की जगह कांग्रेस मूक दर्शक बनी रही। इससे कांग्रेस ने देश के 140 करोड़ जनता का भी अपमान किया है और इसे जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और ईडी गठबंधन देश की चिंता नहीं कर रहा, वो कुर्सी की चिंता कर रहा है। एक तरफ जहां मोदी जी देश के लिए राजनीति करते हैं, ईडी गठबंधन कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं। उनके गठबंधन के लोग किस प्रकार काम कर रहे हैं इसको देखने की जरूरत है। आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का लड़का अगर ये कहे कि सनातन धर्म कैंसर की बीमारी है तो क्या इसको इस देश की जनता बर्दाश्त करेगी? और कांग्रेस चुपचाप मुख दर्शन बनकर खड़ी हुई है। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को चुनाव न लड़ने की चर्चा को लेकर तंज कसा और कहा कि सब जानते हैं कि परिणाम क्या होगा, इसलिए कोई बलि का बकरा नहीं बनना चाहता। इतना ही नहीं, कांग्रेस को डूबता जहाज बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके सेनापति ही सेना छोड़ रहे हैं और 19 तारीख को भी कांग्रेस को प्रत्याशी मिले न मिले क्या पता। सर्वोच्च नेता ही नहीं लड़ रही तो बाकी बड़े नेता काय को लड़े? उनको पता है कि हारना है तो बलि का बकरा क्यों बने? 19 को भी उम्मीदवार मिल पाते कि नहीं मिल पाते इसमें संशय है, इसलिए तारीख बदलती रहेगी। भोपाल में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी छोड़कर गए नेताओं पर करारा हमला बोला और कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता गए हैं, तीसरी लाइन में बैठकर फोटो खिंचा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने 2028 में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया। हमारे वरिष्ठ नेता थे वो बीजेपी में गए, उनका वीडियो चल रहा है, तीसरी रो में बैठे यूं करके फोटो खिंचा रहे हैं, तो ये क्या है? तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और आखिरी बार ये बात कहता हूँ, मुझे पता है कि नया बिल्डिंग बनाने के लिए प्लाट समतल चाहिए। अगर मैं इस बात को अस्वीकार नहीं करता हूं कि हम में कमी नहीं होगी, हम चार बार हारे हैं यानी हम में भी सुधार की आवश्यकता है और वो करेंगे, दृढ़ता से करेंगे, बिना डरे करेंगे। युवा पार्टी बनाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे, नए विचार की बनाएंगे और
28 में कांग्रेस की सरकार भी बनाई। ये बात अब किसी को कुछ गुंजाइश शंका की रह गई तो सवाल करो। कांकेर में बीजेपी प्रत्याशी हुए देवी यात्रा में शामिल, बाजे की धुन पर झूमते दिखे भोजराज नाग। सिरहा बैगा संघ से जुड़े हैं भोजराज नाग। बस्तर में देवी देवताओं के मिलन समारोह को देवी यात्रा कहा जाता है। अनूपपुर में मौसम बदल गया और यहाँ पर बारिश हुई है, लेकिन साथ ही साथ ओलावृष्टि हुई है, ओले भी गिरे हैं और ओले के गिरने की वजह से फसलों को नुकसान की आशंका बन गई है। ऐसे में किसान काफ़ी मुश्किल में आ गया है, परेशानी उसके सामने खड़ी हो गई है। आप देख सकते हैं कि जो कंचे होते हैं उसके बराबर के, उसके साइज़ के बराबर के ओले यहाँ पर गिरे हैं। भारी ओलावृष्टि हुई है, बारिश भी हुई है और ऐसे में किसान को अपनी फसल खराब होने की चिंता सता रही है। जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर भी मौसम बदल गया, मौसम ने करवट ली और यहाँ पर भी आंधी के साथ झमाझम बारिश देखने को मिली है और कई क्षेत्र ऐसे हैं जो जलमग्न हो गए। भारी बारिश, पहले तो आंधी चली और उसके बाद बारिश भी हुई है, बारिश से मौसम सुहाना भी हो गया, यहाँ पर ओले नहीं गिरे। तो एक तरफ जबलपुर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और दूसरी तरफ मौसम के बदले मिजाज की तस्वीर जो है वो अनूपपुर की है, जहां पर भारी ओलावृष्टि हुई है और ऐसे में किसान भी परेशान हो गया है कि कहीं उसकी फसल को, ये ओले जो गिरे हैं उसकी फसल को कितना नुकसान कर जाएंगे। बारिश तक ठीक होता है लेकिन ओले जब गिरते हैं तो किसान जाहिर सी बात है बहुत परेशान हो जाता है। जबलपुर की बात करें तो यहाँ ओले तो नहीं गिरे लेकिन पहले अंधड़ चला और उसके बाद यहाँ पर तेज़ हवा के बाद फिर बारिश हुई और इसने मौसम को सुहाना बना दिया। इधर मुंगेली की बात करते हैं जहां पर मौसम में फिर से बदलाव आया, यहां पर भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है और तेज हवा के चलते कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई। आपको बताएं कि कल भी छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में, रायपुर दुर्ग समेत कुछ जिलों में बारिश हुई थी और वहां पर भी आंधी के साथ बारिश देखने को मिली थी। मुंगेली की बात करें तो यहाँ पर भी बिजली गुल हो गई, बारिश हुई तो तेज़ हवा चल रही थी इसके चलते बिजली गुल हो गई और बारिश भी हुई है हल्की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, उस बार भी खबरें जारी हैं।